हेलो दोस्तों, 2021 के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, किसानों को 6000 की जगह मिलेंगे 10000 रुपये। जी हां दोस्तों, बजट 2021 में हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर रही है। इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस किसानों पर है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। खबर यह है कि पीएम किसान की 6000 रुपए सालाना राशि को बढ़ाया जा सकता है और 10000 रुपए कर सकती है सरकार। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 1 फरवरी से आपके 6000 की जगह 10000 रुपए का लाभ मिल सकता है। बजट में हो सकती है बहुत ही बड़ी घोषणा। अगर आप भी इन सारे लाभ पाना चाहते हैं तुरंत वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, साथ ही वीडियो को 5-6 ग्रुपों में शेयर कर दे, उसकी सहायता हम जल्द करेंगे जो ये काम करेगा। चलो दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसके तहत साल में 3 बार 2000 रुपए किस्त के रूप में सालाना 6000 रुपए केंद्र सरकार किसानों खाते में भेजती है। यह फायदा सभी किसानों को मिलता है। इस योजना के तहत अप्रैल और जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर मार्च की अवधि में खाते में पैसे भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए 11.47 करोड़ लाभार्थी ने आवेदन कर रखा है। आपको बताना चाहते हैं, सरकार को किसानों को साल में 6000 रुपए देती है, वो भी 2000 रुपए की 3 किस्तों में, यानी महीने में 500 रुपए महीना किसानों को मिलते हैं। किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि हमें मिलती है वो प्रति महीने 500 रुपए है, जो काफी कम है। एक बीघे में धान की फसल लेने में करीब 3 से लेकर 3.5 हजार रुपए खर्चा आता है। वहीं गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 2.5 हजार रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6000 रुपए बहुत ही कम सहायता राशि है। ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। ये सरकार से किसानों का कहना है कि 6000 रुपए में कुछ नहीं होता, इस राशि को बढ़ाना चाहिए। तो सरकार 1 फरवरी को किसानों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला ले सकती है, साथ ही 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 10000 कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कृषि कानून के विरोध में जुटे किसानों को खुश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में उनके हित में बड़ा फैसला ले सकती है। खबर यह भी है कि सरकार किसान सम्मान निधि की सालाना मिलने वाली राशि को 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपए तक कर सकती है। तो दोस्तों, पूरे किसानों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी को आने जा रहा है किसान का बजट, जो कि निर्मला सीतारमण पेश करेंगे और इसमें किसानों को बड़ा फैसला कर सकती है और भी बड़ी घोषणा किसानों के हित में हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी खबर पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। जो दोस्त वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसकी सहायता हम जल्द करेंगे। और अधिक सहायता पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर कमेंट करना, ताकि सरकार जो भी लिस्ट निकाले किसानों के लिए उसमें आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।